तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सनी और आ गए हैं आज हम लोग अपने बिल्डर हॉल लेवल 8 मतलब 9 में। 8 तो हम लोगों ने अपग्रेड कर लिया 9 में। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि किस तरह से जो लावा लॉन्चर आया उससे डील करना और कैसे उससे डिफीट करना और कैसे अपने आप को मतलब जीत दिलाना है। तो अभी जो मैं रिप्ले दिखाने वाला हूँ वो सबसे पहले उसका नहीं है, एक फनी सा रिप्ले है। वो ग्लिच कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये ग्लिच बहुत ही मस्त है, तो देख लो। अलोंसो 18/12/29 यानी कि ये तब से बेचारा अकेला 2018 12वां महीना 29 तारीख से। तो इसका एक रिप्ले देख लेते हैं, इसे हम फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे और बताऊंगा कि कैसे इस ग्लिच को करना है। ओके, तो हम लोगों ने गलत रिप्ले लगा लिया, ये अपना ही बेस का अटैक है। तो हमने उस पर जो अटैक किया था उसे दिखाता हूँ। तो बैटल लॉग में चलते हैं और अपना रिप्ले देखना है, ठीक है। तो हमने जो अटैक किया वो रिप्ले देखते हैं। तो इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे और वेट कर रखे हैं हमें आ रहे ये बैटल मशीन के मरने का। तो इस ग्लिच को करने का सबसे आसान तरीका कि जैसे ही आपका बैटल मशीन मतलब मरने वाला हो वैसे ही आप उसकी एबिलिटी को यूज करें। तो वो देखो इस तरह से मरता है, जो कि बहुत ही एक ऑकवर्ड सा पोजीशन है। ये कभी भी मतलब जल्दी नहीं आता। इस तरह के मेरे पास 3-4 क्लिप्स थे बट वो अभी मिल नहीं रहे हैं, तो इसी से आप लोगों को काम चलाना पड़ेगा। तो रिटर्न करते हैं होम। इस ग्लिच को करने को कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। अब हम मैं दिखाता हूँ कि जो लावा लॉन्चर आया उससे डील कैसे करते हैं। तो सबसे पहले उसकी भी मेरे पास फुटेज थी, वो भी डिलीट हो गई। तो हम लोग देखेंगे जिस बैटल में हम लोग हार चुके उस वाले बैटल को। तो ये वाला, ये रहा वो वाला, इस पर अटैक मैंने किया था। तो देखो सबसे पहले बताता हूँ, पॉज कर करके बताऊँगा। तो देखो इसका लावा लॉन्चर यहाँ पे है, यहाँ पे, और हमने अपना बैटल मशीन यहाँ पे छोड़ा। इधर भी छोड़ सकते थे बट इधर देख लो दो तरह की परेशानियाँ थी। एक तो ये कि लावा लॉन्चर का मतलब ये जो रेंज है उसके अंदर अगर हमारा बैटल मशीन आ जाता तो ये अपना टारगेट चेंज कर लेता और ये दोनों भी हमारे बैटल मशीन को जल्दी जल्दी मार देते। तो देख लो इसका रेंज यहाँ तक काम नहीं करता, इसके बाहर काम करता है। तो इसीलिए हमने अपने बैटल मशीन को यहाँ पे छोड़ा। तो आपको रेंज देखने को नहीं मिलेगा अटैक के दौरान आपको, बट बस आपको अंदाज़ लगाना पड़ेगा। तो मैंने अपने बैटल मशीन को यहाँ पे छोड़ा। आप हो सके तो अपने जायंट को भी यहाँ पे छोड़ सकते हो, बट मैंने 4 ही जायंट लाया था। तो यहाँ पे जायंट अगर आप छोड़ देते तो वो ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू बैटल मशीन। तो अब ये लावा लॉन्चर इस पर लॉक हो गया, तो अब वो हमारे ट्रूप्स को कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आप इधर से अपना अटैक स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना है लावा लॉन्चर से तो आप देख लो ये लावा लॉन्चर बस इसी पे फायर करता रहेगा जब तक ये मर ना जाए। और हम बैटल मशीन का वो एबिलिटी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एबिलिटी यूज़ कर देंगे तो ये जल्दी से जल्दी तोड़ करके सारा कुछ अंदर चला जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते कि ये जो लावा लॉन्चर है इसी पे टारगेट किए हुए रहे। इसलिए यहाँ पे आप जायंट भी छोड़ सकते थे, एक एक सिंगल सिंगल जायंट करके आप 2 जायंट यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। और इधर से आप अपना अटैक स्टार्ट करके मतलब 100% तो ले जाना बहुत मुश्किल है, आप बैटल जीत सकते थे। तो यही था यार स्ट्रैटेजी, एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी है और वीडियो भी थोड़ा सा शॉर्ट है। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करो और इस तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैंने इस तरह का कैसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, गुड बाय।